विद्यार्थियों हम लोग अब इसके पहले जो चैप्टर्स थे उस चैप्टर के बीते वर्षों के प्रश्नों को हल पिछले वीडियो में मैंने देखा है और आपको बताया कि किस तरह से उन प्रश्नों का हल आप देंगे कुछ बातें मैंने क्या किया बोल के ही समझाया लिखवाया नहीं है लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अगर इसी तरह ये वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट करें और दूसरी चीज़ ये मैं कहूंगा आपसे अगर आपको कुछ बच्चों ने कमेंट में डाला था केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए तो हम प्रयास करेंगे कि आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट हैं केमिस्ट्री के जो हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट हैं वो दो या तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को दो तीन वीडियो के माध्यम से आप तक हम प्रोवाइड कराएं ज़्यादा हम लोग लंबे चैप्टर बाय चैप्टर के लिए आ, ये ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि हम चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ों को देखें लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको केमिस्ट्री पर भी Uh, कुछ ऐसे फैक्ट या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर दिए जाएं जिससे आप परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोगों के फिजिक्स का ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्र, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन है ना प्रिज्म द्वारा हमको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों का हल ढूंढना सबसे पहले हम लोगों का जो हल है वो बहुविकल्पी प्रश्न पर है जिसमें से ये कहा जा रहा है प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है दरअसल जब आप फिगर बनाएंगे प्रिज्म का, तो प्रिज्म के फिगर में आपको दिखाई देगा कि प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश किरण आकर पड़ती है एक वर्ड श्वेत प्रकाश किरण डाला जाता है तो डालने पर प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण को जब पर्दे पर लिया जाता है तो एक वर्ण क्रम प्राप्त होता है अर्थात हम जानते हैं कि विक्षेपण क्या होता है जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और वर्णों के समूह में आपको एक क्रम बताया गया होगा बीबग्योर है न? तो सबसे नीचे जो होता है वैग्निक रंग होता है

कि क्रांतिक कोण क्या, क्या होगा देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में बना हुआ जिसका क्या अपवर्तन क्या हो जिसका आपतन जिसका अपवर्तन आप नब्बे अंश हो उस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं ठीक अब देखिए यहां पर क्या है दरअसली हम लोग ये भी जानते हैं कोण ये जो डेविडेशन होगा 45 डिग्री का होगा ये भी 45 डिग्री लेकिन ये अपवर्तन नहीं होगा ये क्या हो गया है परावर्तन हो गया तो परावर्तन कब होता है जब हम क्रांतिक मान से थोड़ा सा जब हम बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता प्रकाश किरणों का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है जिस इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा पहले क्या हुआ रहा होगा ये कोण जो है आपतन कोण ये थोड़ा सा कम कोण पर ये जो है नब्बे अंश पर क्या हुआ होगा अपवर्तित हुआ रहा होगा तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे पैतालीस अंश के कम कोण पर ठीक है आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं करा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता तो ये सिंपल सा है इसका आंसर तुरंत मार सकते हैं आप प्रकीर्ण के कारण वैसे हम ये कह सकते हैं दरअसल केवल आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन ही नहीं होता है उसमें अपवर्तन की भी साथ साथ घटना घटती है है ना लेकिन हम लोग मेन जो आंसर होता है प्रकीर्णन ही करेंगे प्रकीर्णन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या है प्रकाश किरण क्या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है बहुत सारे धूल धुएं इत्यादि गैसों के कण होते हैं यदि गैसीय कणों का आकार क्या हो कि जो जिस तरंग दैर की प्रकाश किरण उस कणों के आकार से जब टकराती है उसका आकार छोटा होता है तो उसका स्केटरिंग बिखराव हो जाता है इस घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं और नीले रंग देख परीक्षण में पाया गया कि नीला रंग जो होता है उसका बिखराव ज़्यादा होता है जिसके कारण प्रकाश या प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता वहीं दिन में दिखाई देता लेकिन रात में नहीं दिखाई देता आकाश रात में अगर देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा होगा काला दिखाई देगा उसी तरह से हम लोग देखते हैं हम लोग और एग्जाम्पल भी जानते हैं समुद्र का रंग हम लोगों को क्या होता है नीला दिखाई देता कब दिन के समय उसमें भी प्रकीर्णन की ही घटना के कारण ऐसा होता है ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं करा किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपरतनांग का सूत्र अल्पतम विचलन एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए तो देखिए होता क्या है अपौतनांग का सूत्र ए बराबर होता है साइन ए प्लस डेलियम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू ये होता है क्या अपवर्तन प्रिज्म से अपवर्तन जब होता है तो उसके प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्लस डेलियम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू जहां हम लोग कहते हैं ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है और डेल del, डेलियम क्या होता है न्यूनतम विचलन

और प्रिज्म से जो निर्गत किरण होती है उसको पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कोर्ण कहते हैं है ना तो विचलन कोण जो इसका फार्मूला जब मिलता है तो डेलियम बराबर मिलता है ए एन माइनस वन इंटू ए न्यूनतम का सूत्र होता है डेलियम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए और कोणी विक्षेपण बिच्छे, कुछ है कोणी विच्छेपण के लिए सूत्र भी लिखना कोणी विक्षेपण ओमेगा से प्र, 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 प्रदर्शित करते हैं और कोणि विष्छेपण क्या होता है कि बैगनी तथा लाल रंग की द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है ना या उनको बोलते हैं कोणी विच्छेपण बी भी, बैगनी तथा लाल रंग से उत्पन्न कोणी विच्छेपण और मध्यवर्ती रंग के बीच बने विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं कोणी विच्छेपण क्षमता ओमेगा बोलते हैं थीटा बाय थीटा डेल वाई है ना तो थीटा क्या होता है थीटा कोई बोलते हैं क्या होता और आर का जब हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यह आता है एनभी माइनस एनआर इंटू एआर ठीक है ये सूत्र मिल जाता है एनभी माइनस एन आर इन ए एन क्या होता है बैगनी रंग, रंग बीच के लिए अपर अपरतनांग आर जो होता है लाल रंग के लिए अपर ठीक है डेल्वी क्या है बैगनी रंग का कोण है और आर क्या है लाल रंग का विचलन कोण है और ए जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या तात्पर्य है देखिए क्वेश्चन पूछा गया प्रकीर्णन प्रकीर्णन क्या होता है अभी मैंने बताया था कि जब स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण किसी स्थान पर या ऐसे कह सकते हैं सूर्य से भी कह सकते हैं सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल धुएं इत्यादि कणों से वो टकरा करके टकराती है तो यदि किसी प्रकाश की प्रकाश किरण का जो तरंग है और उसमें उपस्थित कणों का जो आकार है उस तरंग की कोट से कम हो तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वहीं पर क्या होती है बिखरा हो जाता है इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकीर्णन बोलते हैं ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं करा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर होता है देखिए आप सुबह को ही जब देखेंगे और शाम को देखेंगे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है तो अर्थ से सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर देखें तो अगर यहां जो सूर्य है सूर्य और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त मान लेते तो वहाँ सूर्यास्त हो रहा है यहाँ सूर्य है तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है इसका कारण क्या होता है दरअसल लालिमा इसलिए दिखाई देती है कि यहाँ से जब सूर्योदय या सूर्यास्त का जब समय होता है तो पृथ्वी से दूरी इसकी बहुत अधिक होती है, है ना पृथ्वी से दूरी अधिक होने के नाते जब यहाँ से प्रकाश चलता है पृथ्वी के पास पहुँचने के लिए तो उसमें उपस्थित अन्य रंगों चूंकि हम लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश होता है वो रंगों का एक मिश्रण है तो अन्य रंगों का क्या होता है बिखरा हो जाता है प्रकीर्णन के कारण अधिकतम भाग लाल रंग का अधिकतम भाग लाल रंग जो होता है उसका अधिकतम भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है और यही जो लाल रंग का अधिकतम भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें जो इसका प्रभाव होता है वो प्रभाव कैसा दिखाई देता है लाल दिखाई देता है ना हम लोग किसी भी वस्तु का रंग उसका पहचान कैसे करते हैं क्योंकि उस वस्तु से उसी रंग की प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं उसी तरह से प्रकीर्णन के पश्चात लाल रंग की प्रकाश किरणें अधिक से अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचती हैं जिसके कारण हमें सूर्य सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है ठीक आगे देखते हैं फिर वही क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता तथा स्वच्छ आकाश का रंग नीला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो मैंने अभी बताया था क्योंकि वायुमंडल में जब प्रकाश प्रवेश करती हैं तो नीले रंग तथा बैगनी रंग का जो बिखराव होता है वो अधिक होता है और बिखराव के कारण प्रकर्ण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, नीला दिखा देता। है नीला दिखाई देता ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं विचलन कोण है ना क्वेश्चन में कह रहा है विचलन कोण वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य वर्ण विच्छेपण क्षमता के लिए सूत्र लिखिए देखिए विचलन कोण क्या होता है हम लोग कहेंगे विचलन कोण की अगर पर परिभाषा देना होगा तो हम लोग विचलन कोण का डेफिनेशन देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं जब कोई आ, प्रिज्म प्रिज्म से अपवर्तन के समय प्रिज्म पर पड़ने वाले या आपतित प्रकाश तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश आपतित प्रकाश को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत प्रकाश ऐसे देखिए आपतित प्रकाश को आगे बढ़ाने पर तो निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कोण कोण जो होता है का लाता है विचलन विक्षेपण क्या होता है विक्षेपण का मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ण विक्षेपण जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पर पड़ने के पश्चात उससे निर्गत प्रकाश किरण जो होता है अपने अवयु रंगों में विभक्त हो जाता है इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना और पूछ रहा है वर्ण विच्छेपण क्षमता क्या है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा होता है और ओमेगा बराबर क्या होता है ओमेगा बराबर होता है कि विक्षेपण बटे मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण है ना और कोणी विचेपण को थीटा माना जाता है मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण पूर्ण वाई माना जाता है तो मेगा इक्वल टू होता है ठीटापण डिलवाई तो हम लोग कह सकते हैं किसी प्रिज्म जब कोई किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो उसमें उत्पन्न कोणी विचेपण तथा किसमें निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण ओमेगा बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं ठीक है थीटा बराबर होता है डेल वाई थीटा अपॉन डेल डेल वाई लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू जब हम लोग रखते हैं कितना एन वी माइनस एन आर रखते हैं ठीक है डेल वी माइनस डेल माइनस डेल आर रखते हैं अपॉन यहाँ हो जाता है डेल वाई अगर इसकी भी वैल्यू रख दें तो ये होता है एन बी माइनस एन आर इन टू ए अपॉन ये होता है एन वाई माइनस वन इनटू ए ए ए से कैंसिल आउट हो जाता है तो ओमेगा बराबर मिलता है एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इन दोनों सूत्रों में से किसी एक का उपयोग करते हैं ठीक आगे देखते हैं यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान पर हम लोग जानते हैं ए जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है और डेल एम क्या होता है विचलन कोण होता है तो कह रहा है विचलन कोण भी ए रहेगा तो ठीक है हम लोग विचलन कोण अगर ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बाई टू अपान ये हो जाएगा साइन तो ए बाई टू तो ऊपर क्या मिला ऊपर टू ए होगा टू से भाग होगा तो इसको लिख सकते हैं है है ना sin A, और नीचे क्या है? Sin A 2. ठीक अब हम लोग इसका प्रसार कर देंगे तो एन बराबर हो जाएगा टू साइन ए बाई टू अपान इन टू के फार्मूला से इसका क्या करेंगे विस्तार कर लेंगे नीचे कितना दिया है साइन ए बाई टू दिया है तो ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो n बराबर हम लोग को मिलिएगा 2 cos a 2 तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्या मिला कितना 2 cos a 2 इसमें कोई आंकिक वैल्यू नहीं है तो आंकिक आंसर नहीं आएगा हम लोग उसी पर छोड़ देंगे इसको ठीक आगे क्वेश्चन देखते हैं किसी प्रिज्म के लिए अब विचलन कोण डेलम की वैल्यू दे रखा है कितना 30 अंश

तो ऊपर आएगा साइन 45 अंश नब्बे अंश से भाग देंगे और नीचे कितना आएगा साइन तीस अंश आएगा भाग देंगे तो ठीक और साइन 45 अंश का मान हम लोग जानते हैं एक बट्टा कड़ी में दो होता है और साइन तीस अंश का मान एक बट्टा दो दो ऊपर जाएगा तो दो बटे कड़ी में दो क्योंकि आध गुड़े आध मध्य गुड़े मध्य लगाएं ठीक और कड़ी दो में जब दो से भाग दो में कड़ी दो से भाग देंगे तो बचेगा कड़ी दो तो एन की वैल्यू हो गया कितना कड़ी में दो कड़ी में दो का मान भी रख दे सकते हैं तो एक दशमलव चार एक चार होता है तो अपवर्तनांक कितना हो गया एक दशमलव चार एक चार से ये वाला आंसर है ठीक इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण दस अंश है फिर वही बात करें न्यूनतम विचलन कोण कितना है दस अंश है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना एक दशमलव पाँच है एन की वैल्यू दिया कितना एक दशमलव पाँच है. और ए की वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से तो हम लोग एक न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल एम बराबर होता है येन माइनस वन इंटू ए ठीक है ये फार्मूला यूज करेंगे डेल एम की वैल्यू दस अंश है यन की जगह पर एक दशमलव पाँच उसमें से एक घटाएंगे और ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को मिलेगा ये कितना दशमलव पाँच जीरो दशमलव पाँच और इंटू ए तो ए बराबर कितना हो जाएगा इसको दस बट्टे दशमलव पाँच करेंगे

वर्ण विक्षेपण क्षमता और मैंने बताया था उत्कोणी विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को विचलन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं क्षमता बोलते हैं आइए यहाँ जो फार्मूला मिल जाता है ये हो जाता है डेल डेल भी माइनस इसके लिए हमने बताया था होता, भी न, ये होता है एनभी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन है ना ये हो जाएगा क्षमता का जिसमें से अपवर्तनांक दे रखा है किसका? तो आप माइनस तो आपस में जोड़ के भाग देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ दो यहाँ चार यहाँ बारह दो दो एक दो एक, एक, दो, एक, दो, एक, दो एक दो एक तीन बटे दो तो एन वाई की वैल्यू हमको क्या मिल गया दो एक कम दो दो छ छके बारह दो दो नौ चार दो एक कम दो ठीक अब हम लोग ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एन बी की वैल्यू एक दशमलव छः तीन दो माइनस एक दशमलव छः एक जीरो में भाग देंगे एक दशमलव छः दो एक माइनस एक से है ना? अब यहाँ अगर घटाएँगे तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा दो जीरो यहाँ मिलेगा जीरो यहाँ मिलेगा जीरो और यहाँ मिलेगा कितना दो ठीक है बटे घटा देंगे तो तो मिलेगा मिलेगा पहले काटेंगे शून्य बार जाएगा कुछ नहीं होगा दशमलव लगा लेंगे जीरो बढ़ा लेंगे कुछ नहीं होगा फिर शून्य बार जाएगा ठीक है तो फिर शून्य बढ़ा लेंगे अब हम लोग भाग दे सकते हैं लगभग छत्रिक अठारह तीन तो ओमेगा की वैल्यू लगभग आ जाएगी जीरो दशमलव जीरो तीन ठीक यहीं तक इस क्वेश्चन को करके छोड़ देंगे आपका आंसर लगभग वो मैच कर जाएगा अगर आप एक दो अंक और भाग देना चाहते हैं तो देकर के आंसर लिख सकते हैं और ये चैप्टर जैसे समझ लेते हैं आपको जो भी दिक्कतें हो समस्याएं हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो